खनिया थाना में जन आशीर्वाद यात्रा में शिवपुरी जिले के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष भानु चौधरी ने पूरे जोर शोर से अपना शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि जन आशीर्वाद यात्रा तय शुदा समय से 3 घंटे लेट रही। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा। जन आशीर्वाद यात्रा के मुख्य केंद्र बिंदु भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर बन रहा है, महाकाल लोक बन रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने जा रहा है। सभी नेताओं की जुबान पर लाडली बहना योजना ही रही। भारतीय जनता पार्टी के जन आशीर्वाद यात्रा का 10वां दिन का अंतिम पड़ाव आज हमारा खनिया थाना था। उस आशीर्वाद यात्रा की जो संपन्न सभा थी, अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर जी ने उस सभा को संबोधित किया है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले, चाहे वो 2018 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो, 2008 का चुनाव हो, हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जन संपर्क का महाअभियान चलाते हैं। और उसी कड़ी में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 यात्राएं 5 जो मध्य प्रदेश के अंचल हैं उसे अंचलों से निकालने का काम किया है। हमारी जो यात्रा ये ग्वालियर चंबल संभाग और विदिशा और रायसेन जिले की सीमा को कवर करेगी। इस यात्रा में हमारे 43 विधानसभाएं हमारे कवर होंगे, 5 लोकसभा और 2 लोकसभा आंशिक रूप से कवर होंगी। इस यात्रा का मार्ग 2074 किलोमीटर होगा। अभी तक हम 27 विधानसभाओं में यात्रा को पूरा कर चुके हैं। मेरा जो अनुभव है, क्योंकि यात्रा 5 सितंबर से प्रारंभ हुई, तो आज भारतीय जनता पार्टी के जन आशीर्वाद यात्रा का 10वां दिन का अंतिम पड़ाव आज हमारा खनिया थाना था। उस आशीर्वाद यात्रा की जो संपन्न सभा थी, अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर जी ने उस सभा को संबोधित किया है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले, चाहे वो 2018 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो, 2008 का चुनाव हो, हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जन संपर्क का महाअभियान चलाते हैं। और उसी कड़ी में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 यात्राएं 5 जो मध्य प्रदेश के अंचल हैं उसे अंचलों से निकालने का काम किया है। हमारी जो यात्रा ये ग्वालियर चंबल संभाग और विदिशा और रायसेन जिले की सीमा को कवर करेगी। इस यात्रा में हमारे 43 विधानसभाएं हमारे कवर होंगे, 5 लोकसभा और 2 लोकसभा आंशिक रूप से कवर होंगी। इस यात्रा का मार्ग 2074 किलोमीटर होगा। अभी तक हम 27 विधानसभाओं में यात्रा को पूरा कर चुके हैं। मेरा जो अनुभव है, क्योंकि यात्रा 5 सितंबर से प्रारंभ हुई। जयगुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।